नजर आज़ादी फ़लस्तीन और जंग बंदी के हवाले से बताया जा रहा है कि पर से पर्दा शुरू कर दिए गए हैं और जंग बंदी के हवाले से बताया जा रहा है कि ये आखिरी कोशिश की जा रही है और ये, ये मुजाकर इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि इसमें बीस से पच्चीस मुल्क हैं जो कि फाल किरदार अदा कर रहे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अमरीका इन मुजाकरात को लीड कर रहा है और इसमें चाइना और रशिया भी शामिल है और इसमें अरब मुल्क भी शामिल है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि यह मुझा नितनयाऊ की मर्जी के बगैर हो रहे हैं और यह आखिरी कोशिश बताई जा रही है कि अगर ये एक दो दिनों में तीन दिनों में यह मुझरा कामयाब नहीं हो जा हो, हो सके तो फिर हम एक बहुत ग्रेट वॉर में अच्छा वो जो वॉर है वो दूसरी तरफ जारी है जंग वहां पर चल रही है लेकिन ये इस तरफ एक तरह मुजाकर जो है वो शुरू हो गए और अरबों की जो फौजी हैं वो तैयार हो गई हैं उन्होंने समय लेके संभाल लिया महाज संभाल लिया है और वो किसी भी वक्त रवाना हो सकती हैं और वो किस तरह और कहां पर रवाना होंगी ये भी मैं आपको बताऊंगा और अब ये जो नया एक सिलसिला शुरू हुआ है जो पसे पर्दा ये नया फार्मूला पेश किया गया है आजादी फलस्तीन का जिस पर इसराइल को मरोड़े उठ रही हैं इसराइल और नितनजा उस वक्त सर पकड़ कर बैठे हुए हैं कि भाई अब ये काम क्या चल पड़ा है अमेरिका लीड कर रहा है कजादी फलस्तीन के हवाले से तो अब ये नया फार्मूला क्या है अरबों ने इसमें क्या इनपुट दिया है को सजा देने के हवाले से क्या चीजें सामने रखी गई हैं चाइना रशिया ने क्या पोजीशन ले रखी है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो नाजन आपके लिए लेकर आए हैं ये आपके साथ में शेयर करूंगा और आपको ये भी बताएंगे कि भाई क्या ये मुखरा कामयाब हो सकते हैं या नहीं हो सकते है? अगर नहीं होंगे तो फिर आगे क्या होने जा रहा है जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके अच्छा अजन जो जंग है यानी जो हिजबुल्ला का हमले हैं जो इसराइली फौज लेबनान बॉर्डर पर जा रही है जो गजा में जंग है जो वेस्ट बंग में है जो यमन में है इराक शाह वो मामला उसी तरह से चल रहा है बल्कि हम आपको बता चुके हैं कि पिछले चौबीस घंटों में हमने देखा है कि मामला ज्यादा तेजी पकड़ गए हैं हमले ज्यादा तेज हो गए तो वो चीजें वहां पर जा रही हैं, लेकिन उससे हट के ये एक अलग कोशिश इस वक्त शुरू की गई है जिसको आखिरी कोशिश कहा जा रहा है तो अब ये फार्मूला क्या है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और इसमें नितनयाहू की मर्जी शामिल नहीं है और नितनयाहू दूसरी तरफ पूरी चाले चल रहा है इन मुजात को और इस फार्मूले को नाकाम करने के लिए क्योंकि नितिन को यह बड़े अच्छे तरीके से पता है के गजा में तो वो जंग हार चुका है ये तो मतलब सारी दुनिया कह रही है अमेरिकी मीडिया कह रहा है कि गजा में तो नतनयाहू जंग हार चुका है तो उसको पता है कि एक ना एक दिन मुझे आजादी फलस्तीन वाली बात माननी पड़ेगी तो उसके उससे बचने के दो ही तरीके हैं एक तरीका तो ये है कि वो कोई जंग में बड़ा ब्रेक थ्रू उसको हासिल हो जाए कोई बड़ी विक्ट्री हासिल कर ले उसका को नजर नहीं आ रहा तो दूसरा तरीका क्या है एक्सपेंड कर, कर, एक तो कर आपको बताते हैं लेकिन अभी पहले आपको जो है, वो आपके सामने रखने जा रहा हूं फॉर्मूला यह है कि भाई सबसे पहले तो जंग बंदी की जाए अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीजें कि जो आईसीजे वाला मामला हुआ है उसके बाद से दोनों तरफ तेजी आई है अच्छा मुजाकर में भी तेजी आई है और जंग में भी तेजी आई है बड़ी अजीब सी बात है हमले भी तेज हुए और मुजाक की जो कोशिशें हैं वो भी तेज हुई है क्योंकि हम आईसीजे पर तनकीद तो कर रहे हैं सबसे ज्यादा हमने ही तनकीद की है लेकिन उसमें एक फैक्टर आप जरूर समझे उसमें उन्होंने जेनोसाइड वाला नुकता जरूर शामिल किया जो कि अभी तक माइंडिंग है और हर तरफ उस पर सवाल उठ रहे हैं यूएन में उधर जॉन जौ, करबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उससे सवाल किया अगर वो बड़ा हंगामा मचा हुआ है यूरोप में आवाजें उठ रही हैं वो जेनोसाइड वाला फैक्टर तो अभी तक है वहीं पर सीज फायर नहीं हुआ लेकिन जेनोसाइड तो उसने माना आलमी अदालत ने कि यहां पर हो रही है तो आईसीजे के इस चीज को पूरी तरह से साबित करने के बाद ये ज्यादा तेजी हमें देखने को मिल रही है अच्छा तो सबसे पहले एक जंगबंदी की जाएगी फिल फॉर और वो एक ट्रूस होगा ये दो महीने का भी हो सकता है एक महीने का भी हो सकता है तीन महीनों का भी हो सकता है जो बाद में मुकम्मल फायर में बदल जाएगा पहले होगी थ्रू अ ट्रूस एक वक्फे के तहत लेकिन फिर ये मुकम्मल फायर हो जाएगा अच्छा इसी दौरान फिर एड अंदर जाएगी क्योंकि लोगों की बहुत बुरी हालत है इस वक्त गजा में हम आपको बता चुके हैं शदीद इस वक्त वहां पर ठंड है ऊपर से बारिश तूफानी बारिश हो रही है खाने के लिए चीजें नहीं है और पहनने के लिए कपड़ा नहीं है रहने के लिए जगह नहीं है और जो सारी आबादी वो बीस टेरिटरी में आकर बस गई है उधर से ये खतरा है कि वो अब रफा बॉर्डर की तरफ अब जा सकते हैं कि भाई भूख से लोगों का ये हाल हुआ हुआ है तो मिस्र भी कह रहा है कि हमारे लिए अब इसको हैंडल करना नामुमकिन के करीब हो रहा है तो फिल फॉर जो है वो एड अंदर भेजी जाएगी इसके साथ साथ नाजिन क्या होगा कि प्रिजनर एक्सचेंज डील होगी के और ये प्रिजनर एक्सचेंज डील जो है हमास के फार्मूले पर होगी ये कैसी बात है कि पूरी तरह से जो मजामती तहरीक की शर्तें हैं उनको इसमें शामिल किया गया जो कि उनके सबसे बड़ी पता है अब ये जो डील होगी इसमें सारे कैदी मजामती तहरीक छोड़ेगी एंड देन इसराइल की जेलों में जो जितने भी कैदी हैं फलस्तीनी और जो रहनुमा भी हैं जो आम सिविलियंस भी हैं तमाम को जो है वो रिहा किया जाएगा यानी ऑल फॉर ऑल डील ये वो है जो हमास पहले दिन से कह रही है इसी दौरान जब यह जंग बंदी हो चुकी होगी और कैदियों की रिहाई ऑलमोस्ट मुकम्मल हो हो चुकी होगी दरमियान ये सारी चीज़ें चल रही होगी तो उसी दौरान क्या किया जाएगा कि एक अबूरी निज़ाम गज़ा और वेस्ट बैंक में लाया जाएगा अब इ, इसके तहत एक अबूरी हुकूमत होगी और एक अबूरी वज़र जो है वो वहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा जो फिल और जो मामला को संभालेगा और एक हुकूमती निजाम जो है वो चलाएगा अच्छा फिर क्या होगा कि इस निजाम को और इस वजीरजम को सिक्योरिटी देने के लिए एक ज्वाइंट फोर्स भेजी जाएगी वो तो देखना कि अगर आ, आप वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं होगी कोई फौज ही नहीं होगी तो इसराइल का किसी को क्या अतबार है, है कि वह दोबारा से उधर घुस जाए मतलब अब तो हमासको रजिस्ट कर रही है ना तो अगर हम मतलब वहां पर कोई फौज ही नहीं रखते और कहते हैं कि खाली जनाब ये निज़ाम हम वहां पर ला रहे हैं तो क्या पता कब इसराइल घुसकर पूरा कब्जा कर ले फिर उससे वो कब्जा कौन छुड़वाएगा तो फिल फॉर वहां पर एक फोर्स भेजी जाएगी जिसमें दो तरह की जो प्रपोजल है वो सामने आ रहे हैं एक तो ज्वाइंट अरब फोर्स है कि अरबों की एक मुश्तर जिसमें यू सऊदी अरब जॉर्डन उधर मोरक्को भी हो सकता है इन मुल्कों की और दीगर इनकी जो फोर्सेज वहां पर जाए फिर एक ये भी है कि कोई यूएन के अंडर जो फोर्सेस हैं वो वहाँ पर जाकर निज़ाम संभालेगी और सिक्योरिटी देंगी वजी अजम को भी और इस निज़ाम को भी और गजा और वेस्ट बैंक की हिफाजत करेंगी अच्छा अब इस सारे के दरमियान जो रिकंस्ट्रक्शन है गजा की वेस्ट बैंक की उस पर भी एग्री हो गए अरब सऊदी अरब और यू वगैरह इन सब ने कहा है कि हम रीबिल्ड करेंगे गजा को जो वहाँ पर तबाही हो चुकी है हम सारा दोबारा से उसको बनाएंगे ठीक है इस पर भी उन्होंने इतफाक कर लिया अच्छा इसके साथ नाजरीन आ, क्या होगा कि यू एन में उसकी जनरल असम्बली में या सिक्योरिटी काउंसिल में एक करारदाद लाई जाएगी और उस करारदाद वो क्या होगी आज़ादी फलस्तीन का उसमें ऐलान किया जाएगा एक बाकायदा आजादी फ़लस्तीन की जो रियासत है फ़लस्तीन की उसका ऐलान किया जाएगा और उस करारदाद को यू यूएस जो है यानी अमेरिका वो वीटो नहीं करेगा और कुछ जरा तो ये भी कह रहे हैं कि प्रपोजल ये भी है कि खुद अमेरिका वो करारदाद पेश कर दे अब मैं आगे चलकर आपको बताता हूं कि ने दोबारा से किस तरह टू स्टेट के लिए और के लिए आजादी लिए कोशिश शुरू कर दी है और अमरीका को अब फिर क्या मजबूरी आ रही है आ, वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ लेकिन पहले ये फार्मूला पूरा यह सुन लीजिए कि वो करारदाद आ जाएगी एंड देन वो वहां से पास हो जाएगी और आजादी फलस्तीन का ऐलान यूनाइटेड नेशन से सबकी रजामंदी के साथ जिसमें चाइना भी ऑन स्टेक है और जनाब रशिया भी है इवन ईरान के बारे में कहा जा रहा है तुर्की है सऊदी अरब अरब मुल्क बाकी पूरी दुनिया पूरी दुनिया इसमें शामिल है सिवाय इसराइल के और पूरा यूरोप वो इसमें इतफाक कर रहा है कि भाई इसमें जो है ना वहां से ऐलान किया जाएगा अच्छा उसके बाद नाजिम क्या होगा कि जब आज़ादी फलस्ती हो जाएगी गजा और वेस्ट बैंक पर एक कबूरी निज़ाम जो सबका मुशत मुतफ़ा तौर पर होगा वो वहाँ पर आ जाएगा आजादी फलस्तीन हो जाएगी जब मुकम्मल तौर पर आजादी फलस्तन हो जाएगी उसके बाद फिर सऊदी अरब जो है वो तस्लीम करेगा इसराइल को दोनों रियासतों को यानी दो रियासतें बन जाएंगी सऊदी अरब जो है वो तस्लीम कर लेगा और सऊदी अरब के अलावा बाकी जो ममालिक हैं वो भी इसराइल को भी तस्लीम कर लेंगे और इन दो रियासतों को जो है वो तस्लीम कर लेंगे अब आपने ये बात जहन में रखनी है कि ये फ़िलहाल सिर्फ प्रपोज़ल की हद हाँ तक है ये डिस्कशन हो रही हैं ये मुजाक्रा चल रहे हैं इधर से एक प्रपोज़ल ये आ रहा है दूसरा मुल्क ये प्रपोज कर रहा है तो ये उस हद हाँ तक चीज़ें जो है वो चल रही हैं तो इस जब आज़ादी फ़लस्तीन हो जाएगी तो सारे इस्लामी मुल्क ख़ास तौर पर सऊदी अरब वगैरह वो सारे नॉर्मलाइजेशन कर लेंगे इसराइल के साथ और उसको तस्लीम कर लेंगे अब यहाँ पर टू स्टेट वाला मामला मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको भाई आप, आपके जनम तो इसराइल को तस्लीम ही नहीं करते तो वो मैं उस पर पहले बता चुका हूँ मैं उस तफसील में नहीं जा रहा कि सिर्फ वालना यह कहूँगा कि देखे जब हम मुक्रात के जरिए आज़ादी फलस्ती मिल रही है तो हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमें उसको अवेल करना है उस मौके को ज़ाया नहीं करना क्योंकि यहाँ पर गजा के जो लोग हैं फलस्तीन के लोग हैं वो बहुत ज्यादा कुर्बानी ऑलरेडी दे चुके हैं और बहुत ज्यादा दे रहे हैं तो अगर हमने आजादी अगर सिर्फ हमें एक रियासत चाहिए मुजाकत के जरिए हमें दो रियासतें मिल रही हैं आजादी मिल रही है, है लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं हमें एक रियासत चाहिए तो फिर हम सब मुसलमानों को सारे अरबों को उधर गजा में जाना चाहिए और वहां पर लड़के लेनी चाहिए हमें यह सारा मुद्दा उन पर गजा के लोगों पर नहीं डालना चाहिए कि नहीं नहीं तुम लड़ो तुम एक रियासत लो और हम अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ बैठे रहें लेकिन फलस्ती को कहेंगे नहीं नहीं तुम लड़ो हम नहीं एक रियासत लेंगे हम दो रियासतें नहीं लेंगे हम सिर्फ एक रियासत लेंगे तो भाई ये फिर हमारी मुनाफ्त है कि हम क्यों उनको आग में झोंक रहे हैं कि अगर हमें बड़ी कोई एक ही रियासत लेनी है तो फिर हमें भी जाना चाहिए ना खाली हमें यहाँ से बैठकर कर भी नाहत नहीं देने चाहिए आज अरब बैठे हुए हैं ना अपने मोहल्लात में हम सब बैठे हुए हैं लेकिन गजा के लोग तो भूख से मर रहे हैं तो आज हम क्या करें वो ट्रकों की लाइन लगी हुई है रफाक के बॉर्डर पर वो ट्रक तो अंदर नहीं हम भिजवा सकते तो फिर हम गजा के लोगों को नहीं कहें नहीं, नहीं 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 आप लड़ें आप लड़ें तो ये हमारा फिर मुनाफाना रवैया है इस बार मैं तफीली वीडियोस बना चुका हूँ लिहाजा मैं उस तफी में नहीं जा रहा लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है तो मुजाकर के जरिए जब जब जंग मुसलत हो जाए जैसा कि इसराइल कोशिश कर रहा है कि वो वन स्टेट की तरफ जाएगा वह जंग लंबा लेकर चलेगा और फलस्तीन को खत्म करेगा तो फिर हम भी कह रहे हैं कि हम भी फिर इसराइल को नहीं मानते कह रहा है कि फिर हम भी एक रियासत लेंगे तो वो अलग कैटेगरी है जब जंग प्रोलॉन्ग हो जाएगी और मुसलत कर दी जाएगी लेकिन अगर ये सारे जो प्रपोजल रखा गया और यूरोप भी है चाइना रशिया भी है अमेरिका भी है अरब्स भी हैं अगर इस तरीके से मामला सुलझ रहा है तो फिर हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इसको इस तरह से सुलझा लिया जाए ताकि लोगों को रिलीफ मिले अच्छा अब ये जो नए मुजात शुरू हुए हैं जिसको बाइडन ने अमेरिका ने लीड किया है उस हवाले से दो बहुत बड़ी खबरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक तो बाइडन ने कॉल की है दो इंपॉर्टेंट शख्सियात को कॉल किया एक तो इजिप्ट के सदर को कॉल किया और दूसरा कतर के जो अमीर हैं उनके साथ बात हुई है और कतर के अमीर के साथ जो बात हुई उसकी मैं सिर्फ दो लाइनें आपके सामने रखने जा रहा हूं जो व्हाइट हाउस का इलामिया सामने आया है ये ये आप जरा देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इस वीडियो को समझने के लिए आपके लिए सबसे कारीगर होगी प्रेसिडेंट बाइडेन एंड शेख तमीम एग्रीड टू कंटिन्यू क्लोज कंसल्टेशन ऑन सेटिंग द कंडीशन फॉर अ ड्यूरेबल एंड सस्टेनेबल पीस इन द मिडल ईस्ट टू इंक्लूड द ऑफ दैलस्टीनियन स्टेट आप मुझे बताइए ये व्हाइट हाउस का अलामिया है जिसमें वो बता रहे हैं कि बाइडन और अमीर कतर की क्या बात हुई है उधर नितनयाहू का पूरा ड्रामा मैं आपके सामने रख चुका हूं पिछले दस दिनों में जो कुछ हुआ नितनयाहू ने कहा कि हम नहीं मानते किसी सूरत नहीं मानते और आज फिर एक बार अमेरिका कह रहा है कि नहीं आजादी फलस्तीन होगी और वो खुद इस मजाक को जो है वो लीड कर रहे हैं और कतर को कह रहे हैं कि नहीं हम आजादी करेंगे और सऊदी अरब वगैरह सारी चीजें फिर अगली स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट देखिए ये पूरी दुनिया का मीडिया इस चीज को छाप रहा है

एंड बाइडन एंड नित प्ले डेंजरस गेम विद टू स्टेट फाइट ठीक है तो ये जो इख्तलाफात हैं वो में वाज तौर पर नज़र आ रहे हैं कि इन दोनों में ये मामला हैं अमरीका और जो इसराइल है देखें इसमें एक बात मैं आपको कलेरिटी के साथ बता दूँ कि हर सूरत में इसराइल को बचाना चाहता है अमरीका और जो उनमेंफात हैं वो मैथड के अख्तलाफात हैं अमेरिका इसराइल को ये कहता है कि जिस स्टूपिडिटी के साथ आप जंग लड़ रहे हैं इस तरह हम जंग को कंटिन्यू नहीं कर सकते आप कभी बैठकर कहते हैं हम न्यूक्लियर बम गिरा देंगे कभी आप कतर को टेररिस्ट स्टेट कह देते हैं कभी आप कहते हैं गजा को मलियामेट कर देंगे कभी आप कहते हैं बेूथ को हम मलिया मेट कर देंगे कभी कुछ मतलब ये जो स्टूपिडिटी है हम इसको प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते इस तरह हम ये जंग को हैंडल नहीं कर सकते और दूसरा जो अमरीका है नाजरीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ अमेरिका ये समझता है कि इसराइल को इस वक्त बचाने का जो वाद सल्यूशन है वो है कि आज़ादी फ़लस्तीन हो जाए इसके बगैर इसराइल को नहीं बचाया जा सकता दूसरा तरीका यह है कि या फिर वो अपनी फौजें भेज दें अमरीका और यूरोप अपनी फौजें भेजें और वो लड़कर आज़ादी को इसको इसराइल को बचाए और गज़ा पर भी कब्ज़ा करके दे वेस्ट बैंक पर भी दे तो फिर जो है वो इसराइल बच सकता है और फिर हिजबुल्ला से भी अमेरिका आकर लड़े तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना यार ऐसा कैसे हो सकता है कि अमेरिका जनाब हमास के खिलाफ अपनी फौजें भेजे ऑलरेडी जो उनके अंदर सारे मसाइल हैं वो तो उनकी सपोर्ट उनके लिए बड़ी मुश्किल हुई खड़ी है तो फौजें भेजना तो सवाल ही पैदा नहीं होता तो, तो इकलौता रास्ता जो उनको नजर आ रहा है कि वो जरा आज़ादी फलस्तीन है उसके जरिए ही आज इसराइल को बचाया जा सकता है और वो हर सूरत में इसराइल को बचाना चाहते हैं और इधर इसराइल का मसला यह है नितिन जाऊ की जिद यह है कि नहीं नहीं हम तो कोई आजादी नहीं होने देंगे हम तो इनको एक इंच भी नहीं देंगे और हम ग्रेटर इसराइल बना कर रहेंगे और हम बना सकते हैं लेकिन अमेरिका को नजर आ रहा है कि ये तो जंग जीत नहीं सकते अगर जीत सकते होते तो उन्होंने आपको चार महीने दिए ना इन्होंने एक महीना मांगा था उन्होंने चार महीने वेट किया है और सारे वो शरीक है को किसी वो हारने भी नहीं देना चाहता लेकिन मुजाकर हो रहा है यह सारा जुलम हो रहा है लेकिन एंड गेम इस पर जो है साथ साथ जो दरमियान नितनयाऊ की जिद आ जाती है बार बार के नहीं नहीं हम हमें थोड़ा और टाइम दें हम ये कर देंगे वो कर देंगे और इस वजह से पहले भी मामला डिले से डिले होते गए लेकिन अब अमेरिका को समझ आ रही है कि हम एज ऑफ वॉर पर खड़े हुए हैं यानी ये 48 और बहत्तर घंटे में गुफारूम बहुत इंपॉर्टेंट है हम बिल्कुल एज पर खड़े हुए हैं कि किसी भी वक्त यहां से ग्रेट वॉर छिड़ सकती है किसी भी वक्त हिजबुल्ल अंदर आ सकती है तो फिर जब वो जंग छिड़ेगी तो अमेरिका समझता है कि इसराइल को नहीं बचाया जा सकेगा इसीलिए वो मुसाकर के लिए ये कोशिश कर रहा है मिसाल के तौर पर आप ये वाली स्टेटमेंट देखिए इससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी बाइडन अंडरस्टैंड दैट अ लॉट ऑफ चेंजेस विल बी नीडेड फॉर द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी टू रूल बट ही बिलीव सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं बट ही बिलीव दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर इसराइल टू रिमेन अ डेमोक्रेटिक एंड जूएस स्टेट अब इससे बड़ी स्टेटमेंट मुझे बताइए कि आपके सामने क्या रखू बाइडन खुद यह समझता है कि यही बेहतरीन तरीका है इसराइल को कायम रखने का अगर ये यहूदी रियासत अगर कायम रह सकती है तो दिस इज द बेस्ट एंड ओनली सोल्यूशन कि जिस पर हम काम करें वो आज़ादी फ़लस्तीन है टू स्टेट सोल्यूशन है इसके बग़ैर ये नहीं रह सकता ठीक है ना तो इसलिए अब वो चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहा है लेकिन नितिन योग की मर्जी उसमें नहीं है अब मैं आगे चलकर आपको ये भी बताता हूँ कि भाई ये मुजाक्रत कामयाब हो सकते हैं या नहीं लेकिन इस हवाले से आखिरी बात ये समझ लीजिए कि इसी दरमियान में सख्त मुतालबात भी दोनों अतराफ़ से आ रहे हैं आ, ये तो एक प्रपोजल है ना इसी में दोनों जो फरीक एन है वो सख्त मुतालबा भी रख रहे हैं मिसाल के तौर तो पे ये मुसाद की जानब से यानी सराइल की जानब से ये प्रपोजल रखा गया है कि जो हमास के लीडर्स हैं यानी या शिमारा अलदीफ ये सारे गजा को लीव कर जाएँ ठीक है और उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया या भाई हम क्यों जहाँ हम फाते हैं हम हम हाँ से क्यों निकले अच्छा दूसरी तरह हमास ने एक कंडीशन रखी है जो कि उसूली है और उन्होंने कहा है कि जनाब नितिन को सजा मिलनी चाहिए यानी ये सारा फार्मूला अपनी जगह पर ठीक है लेकिन इसके साथ साथ नितिन याऊ को भी सजा दें इसमें यह वाली शिक भी शामिल होनी चाहिए भाई यह क्या मजाक है कि पच्चीस हजार लोगों को शहीद कर दिया इतना जुल्म डाल दिया और क्या कि ने नितिन याहू को फारिग कर देंगे आप तो ऐसे तो नहीं चलेगा इसमें आप ये वाली शिक भी रखें कि नितिन याहू को सजा दी जाए कम से कम ये तो लाजमी किया जाए और उसको कैपिटल पनिशमेंट जो है वो मिलनी चाहिए ये उन्होंने जो है वो शरार रखी जो कि बिल्कुल जायज़ है और इसको सजा मिलनी चाहिए जो जुल्म इसने तारीख का सबसे बदतरीन ढा दिया तो ये ऐसे तो नहीं बचने वाला इसको सजा हर सूरत में होनी चाहिए अच्छा नाजरीन तो ये बेसिक फार्मूला है जो इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है अब ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल और सबसे ट्रिकी है सबसे जो डिफिकल्ट डिप्लोमेसी है वो ये इस वक्त हो रही है जिसमें इसराइल मुकम्मल तौर पर मानने को तैयार नहीं है और दूसरी तरफ मामलात भी बहुत मुश्किल है तो ये बहुत मतलब मुश्किल तरीन डिप्लोमेसी अगर पिछले सालों में पिछली दहाइयों में हुई है तो वो ये इस वक्त ये वाली हो रही है कि पिछहत्तर साल एक झगड़ा एक चला है और वो हल नहीं हो सका तो आज आप टेबल टॉक के जरिए उसको हल करवाना चाहते तो ये कोई आसान काम नहीं है एक तरफ सबसे जिद्दी हुकूमत खड़ी हुई है जो एक इंच भी नहीं देना चाहती तो ये आसान आपके लिए नहीं है बहरहाल अब मैं आपके सामने रखता हूँ कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं क्या ये मुजात के जरिए बात आगे बढ़ेगी या फिर मामला किस तरफ जा रहे हैं देखें इसमें पहली कामयाबी नाजन हमारी यह है कि आजादी फलस्तीन हमें नजर आ रही है चाहे वो एक रियासत के तौर पर हो या फिर दो रियासत के तौर पर हो देखें हम तो उसी पोजिशन पर खड़े हैं ना कि हम तो इसराइल को नहीं मानते लेकिन यूरोप और अमेरिका कह रहा है कि हम फलस्तीन को मानते हैं और हम फलस्तीन की आजादी लेकर देंगे नितिन या चाहे ना चाहे हम आपको आजादी लेकर देंगे तो यह हमारी फतेह कि पहला जो हमने मरहला अचीव कर लिया कि आज़ादी फलस्तीन अचीव हो गई दो रियासतों की सूरत में हो या एक रियासत एक रियासत थोड़ा सा हमें कुर्बानियां ज़्यादा इसलिए देनी पड़ेंगे जब जंग बढ़ेगी तो जारी बात है गजा के लोगों को वेस्ट बंग के लोगों को ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेंगे ज़्यादा फेस करना पड़ेगा जंग साल चले डेढ़ साल चले दो साल चले तो उसके बाद फिर आज़ादी होगी एक रियासत के तौर पर तो वो एक मुश्किल मरहला है लेकिन हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं तो ये तो अचीवमेंट हमारी होगी कि आजादी फ़लस्तीन नजर आ रही है और इसमें देखें कि तमाम शर्तें तो फलस्तीन की मानी जा रही हैं यानी हमास की मानी जा रही है यह हमास ही की शर्त थी सीफर हो प्रिजनर एक्सचेंज डील हो सारे वो कैदियों को रिहा किया जाए आजादी फलस्तीन हो और भाई इसराइल की तो इसमें एक शर्त भी नहीं है आपने सारा फार्मूला सुना कहीं पर आपको इसराइल की फतः नजर आ रही है उनकी तो एक भी बात यहाँ पर नहीं मानी जा रही तो ये हमारी कैटेगरी का अच्छा अब ये मसाइल बहुत ज्यादा है ये इतना आसान तो नहीं जैसे मैंने आपको बताया। ये सबसे मुश्किल तरीन डिप्लोमेसी इस वक्त हो रही है और इसमें सबसे बड़ा मसला खुद अमरीका भी है कि भाई आपके मुंह से अभी तक सीजफायर नहीं निकला तो आप ये को कर रहे हैं ठीक है लेकिन सबसे पहले तो आपको सीज फायर अपने मुंह से कहना पड़ेगा आज सारी दुनिया कह चुकी है अब बरतानिया भी कह दिया लेकिन आपके मुंह से सीजफायर नहीं निकला तो सबसे पहले तो आपको ये ओपनली कहना पड़ेगा कि सीजफायर फिलफॉर होना चाहिए फिर जो नितिन का मामला है इधर ये सारे मुजाकर चल रहे हैं और नितनिया ने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जंग जो है वो जारी रहेगी ये आप उसकी दो स्टेटमेंट में आपके सामने रखने जा रहा हूं द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिडेंट मेक अ डिसीजन टू स्टॉप द वॉर एंड वी कंटिन्यू टू एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर इंटरेस्ट आवर गोल इज टू इलिमिनेट द अथॉरिटी ऑफ हमास

और दूसरी तरफ नितिनजय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले करके कहा है जी जंग जारी रहेगी अंटिल हमारे गोल यानी कि मुकम्मल हमारा कब्जा नहीं हो जाता ग्रेटर नहीं बन जाता तब तक जो है वो जंग जारी रहेगी तो इसमें सबसे जो बड़ी रुकावट है वो नितिन पूरी कोशिश कर रहा है वो किसी भी वक्त लेबन पर हमला कर सकता है लेबनन पर हमला हो गया तो मुजाकर तो खत्म हो गए ना फिर तो बात बहुत आगे चली जाएगी और किसी भी वक्त वो ये कर सकता है क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि आज अमेरिका भी वो उधर अड़ गया है उसने कहा कि भाई हमारे देखें यार ये इतना आसान नहीं है अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं बाइडन अलग फड्डे में है उसको अंदर जो बगावत है जो उसका टैक्सेज के साथ मामला चला हुआ है जो अवमी प्रेशर है जो कांग्रेस का प्रेशर है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर है जो अरबों के साथ उसके मामलात है जो चाइना को कन्फ्रंट करना है जो यूक्रेन जंग है उधर ताइवान पर हमला चाइना का ये इतना आसान नहीं है मैंने आपको बताया वो हर सुबह में इसराइल को बचाना चाह रहे हैं और असलिया भी दे रहे हैं इमदाद भी दे रहे हैं लेकिन उनको लगता है कि भाई हम जितना इस इस मामले को परलोंग करेंगे हमारे मफात ज़्यादा नुकसान में जाएंगे बजाय हम फायदे में जाने के इसराइल का क्या होगा फ़ायदा नुकसान वो अमरीकी मफदात इस वक्त सबसे ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं कि उन, उनको ये बात समझ आ रही है लेकिन वो ऐसे दरमियान में तो इसराइल को नहीं छोड़कर जा सकते कि अच्छा आप हमारी बात नहीं मान रहे तो चलो जनाब हम आपको असलिया नहीं देते ऐसे नहीं होता होता ठीक है तो वो दूसरे तरीके से मामले को हल करना चाह रहे हैं लेकिन दरमियान में नितिन जो है वो ये सारी गेम भी खेल रहा है और उसको नाकाम करने की कोशिश कर रहा है और फिर जो अमेरिका की दूसरी बड़ी गलती इस वक्त है ये जो यू एन आर डब्ल्यू ए जो कि खास इदारा है फलस्तीन की रिलीफ के लिए जो काम कर रहा है जिसकी आपने अभी फंडिंग बंद कर दी है तो अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो फिर तो मामला बिगाड़ की तरफ जाएंगे यानी आप देखें जर्मनी ने स्कॉटलैंड ने फिनलैंड ने स्विट्जरलैंड ने इटली ने यूके ने ऑस्ट्रेलिया ने कैनेडा ने यू एस ने अमेरिका ने सबसे पहले बंद किया और अब इन तमाम ने उनकी फंडिंग जो है वो बंद कर दी है तो एक तरफ आप सीज फायर के लिए कोशिश कर रहे हैं एक तरफ कह रहे हैं आजादी है फ़लस्ती ऊपर से फलस्तियों के जो खाना पानी के लिए इदारा काम कर रहा है उसके साथ उसकी फंडिंग बंद कर रहे हैं तो ये कितनी शर्मनाक बात है तो आपको ए, ये वाली हरकतें भी फिर रोकना पड़ेंगी इन मुजाक्रत को कामयाब करने के लिए और यहीं पर मैं सवाल जो जो हमारे जनाब हैं ओ जो अरब मुल्क हैं जो इस्लामी मुल्क हैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ अच्छा भाई उन्होंने तो फंडिंग बंद कर दिया आप सोए हुए हैं आप इधर तो बड़े राजी हो गए कि गजा को रीबिल्ड कर देंगे तबाह इसराइल ने किया लेकिन रीबिल्ड आप करेंगे तो इस यूएन को आप फंडिंग नहीं दे सकते जो गजा में हेल्प कर रहा है अगर उन्होंने कर दी तो ठीक है कर दी भाई वो हक रखते हैं करने का हम किस मुंह से उनको जाकर कहेंगे आप आपने क्यों बंद किए आपका फर्ज नहीं बनता कि आप जाकर फंड करें उसको तो ये भी एक हमारी भी बहुत सारी जो है ना वो हैं कमजोरियां अब नजर नितन याऊव पर उसके अपने ख्वाब अपनी जगह पर है लेकिन अंदर से भी बहुत ज्यादा प्रेशर है इस वक्त फैमिलीज Uh, वजीर अजम हाउस के बाहर जमा है uh, इसका जो uh, मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी uh, की बिल्डिंग्स है उनके बाहर जमा है पार्लियामेंट के अंदर वो घुसी हुई हैं और इससे पहले एक वाक्य हुआ है फिर अर्ली इलेक्शन का बहुत ज्यादा प्रेशर है फिर अभी मिनिस्टर का अभी एक और मामला सामने आया है कि कैबिनेट का सेशन हुआ है जिसमें मिनिस्टर्स ने कहा है कि जो सात अक्टूबर का फेलियर था उसका जिम्मेदार जो है वो नितिन या उसके मुंह पर कह दिया तो वो वाला प्रेशर अपनी जगह फिर जो सर्वे अभी सामने आया उसमें पैनी गार्डस जो कि एक पार्टी का हेड और इसका फिलहाल मिनिस्टर है वॉर काउंसिल का वो मेंबर है वो ज्यादा पॉपुलर बताया गया नितिन याहू से तो वो अगला वजी अजम बताया जा रहा है तो वो प्रेशर भी इस पर अपनी जगह पर है प्रिजनर एक्सचेंज डील का प्रेशर जो है वो नितिन याहू पर अपनी जगह पर है इधर अब अमेरिका का प्रेशर आ गया उस पर तो उसके लिए भी मामला जो है वो आसान नहीं है तो देखें मुजाकर की कामयाबी का जो पहला साइन होना चाहिए वो अमरीका सीधफार करे અ નામ ઓપનલી બોલે پھر નિતન્યો કો ફારે કરે દેખે એક વાત ક્લિયરલી સમજી લે અમેરિકા કે નિતન્યો કે હોતે હુએ કભી યે મઝાકરાત કਾਮયબ નહીં હો સકતે તો અગર આપ સિરિયસ હે જો કેમે નજર આ રહા હે અભી મતલબ આપ zulm મે શરીક રહે સાલા કામ અપ કર રહે લેકિન અબ આપ ઇઝરાયેલ કો બચાને કે લિયે કહે રહે હે કે જી આઝાદી ફલસ્તીન હોની ચાહીએ વો ભી વાત હમે સમજા આ રહી હે તો અગર આપ ઇનકો વાક્યત કਾਮયબ કરવાના ચાહતે હે તો પહેલે નિતન્યો કો ફારે કરે ઉસકે બગૈર જો હે વો યે નહીં હો સકતા तो क्या अमेरिका रेडी है को फारिग करने के लिए तो यह सबसे बड़ा सवाल है तो यह क्लियर हो गया कि मुजाकर की पहली जो दो शर्तें हैं नितनजाऊ फारिग होगा सीज फायर ओपनली अमरीका बोलेगा तो कामयाब होंगे वगैरह फिर हम वो एक बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं जो नितिन की साजिश है और वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है और फिर एंड में मैंने आपको बता दिया ग्रेटर नहीं वो मिनी भी नहीं बचेगा और वह फिर वो पूरी फलस्तीनी रियासत होगी तो अब मैं आपको आखिरी तीन लाइनें बताऊंगा जो कि हासिल उसूल है मेरी इस पूरी वीडियो का देखे मुजाक्रत बहुत मुश्किल है और अगर ये मुजाकर के जरिए मामला हल हो जाएगा तो ये पूरी दुनिया की कामयाबी है यह पूरी इंसानियत की कामयाबी है और मजीद जानों का जो जया है वो रुक जाएगा और जहां पर यह मुजाकर हो रहे हैं वहां पर वह जुल्म और वह हमले वो जंग उसी तरह से जारी है क्योंकि क्या पता है मुजाकर कामयाब होते हैं यानी वो उधर वो मामला चला हुआ है अच्छा अब तीन चीज़ों में नाजर में बहुत ज़्यादा क्लियर हूँ एक चीज़ में तो मैं ये क्लियर हूँ कि अमरीका जो मर्जी कहता रहे वो जो मुझे इंडिकेशन नज़र आ रही है ना जो उसके अंदर के मामला मुझे नज़र आ रहे हैं अमरीका के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इसराइल की इस तरह मदद करना अगर ये जंग परलोंग होती है तो अमरीका मुझे मैं इंडिकेशन दे रहा हूं मतलब वो महीना और मदद कर लेगा डेढ़ दो कर लेगा लेकिन जिस तरह ये कह रहे हैं दो साल जंग चलाएंगे अमेरिका के लिए फिजिबल नहीं है मुझे ऐसी नजर आ रही है ये मदद नहीं कर सका। दूसरा, जो प्लान करके बैठा हुआ है नितू कि मैं इतनी लंबी जंग चला लूंगा मुझे नहीं लगता कि वो इतनी लंबी जंग चला पाएगा जो अंदर उसके मैंने आपको बताया कि इतना प्रेशर और बगावत और मामलात खराब है इकॉनमी और ये वो सारी चीजें तो उसके लिए भी मुझे मुश्किल लग रहा है कि वो इतना प्रोलॉन्ग हाँ अगर वो प्रोलॉन्ग कर लेता है सारी चीजों को साइड पर रखते हुए तो फिर ये बात तो क्लियर है कि वो ये जंग नहीं जीत सकता ये मैं बता अगर वो कर जाता है एट दी एंड फिर ये हारेंगे और अपनी ये छोटा जो टुकड़ा इनको मिलना है उससे भी जाएंगे ये बात बिल्कुल क्लियर है तीसरी बात आखिरी बात यमन जंग हर सूरत में होगी ये मामला जहां भी जाता है मुजात के जरिए जंग लंबी होती है जो भी होता है यमन जंग हर सूरत में होगी तो यमन से जो मुस्तकिल खतरा है अमेरिका बरतानिया को उसको हटाने के लिए वो आएंगे आपको पता है पिछले मतलब उन्नीस सौ नब्बे तक तो मतलब इससे पहले बर्तानिया ही था वहां पर जो मामला को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि तब भी उनको यही खतरा था बाबुल मंदप और स्विस्ट कनाल वाला तो अब दोबारा से वो अपनी बेसिस वहां पर काम करने के लिए हर सूरत में आएंगे तो ये उनको बेसिक प्रॉब्लम आ रहा है फिर यमन की ताकत से उनको लग रहा है आसान नहीं होगा लेकिन वो जंग करने के लिए यमन के साथ जरूर आएंगे तो ये मेरे बेसिक जो फाइनल वर्डिंग है वो ये है अब आप अपनी राय जरूर करें अहम जरोगा कर बाकी जंग अपनी जगह पर जारी है अगली वीडियोज में वह तफसीत आपके सामने रखते हैं कि क्या नए हमले हुए और कहा मामला चले हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके